हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। मैं रोहित गुप्ता आप लोगों को आज पार्ट टू पढ़ाने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स का। पार्ट वन में हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में ये देख लिया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट एंड हाउ टू इंटीग्रेट। ठीक है, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर हम दो तरीके से मीनिंग देखेंगे, एक होता है एल्जेब्रिक मीनिंग और दूसरा होता है ग्राफिकल मीनिंग। ठीक है, आगे जब हम काइनेमेटिक्स में जाकर पढ़ते हैं तो एल्जेब्रिक मीनिंग जो होता है वो हमें मदद करता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ने के लिए, और जो इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है वो हमें मदद करता है ग्राफ को डील करने के लिए। ठीक है ना, हमारे लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके ऊपर बेस पूरी फिजिक्स के अंदर आपको काफी सारी चीजें आती रहेंगी। आपको अलग अलग चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रोल होते रहेंगे और उनके मीनिंग भी आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? यहां पर सबसे पहले मैं आपको एल्जेब्रिक मीनिंग बताऊंगा इंटीग्रेशन का भी और डिफरेंशिएशन का भी, और फिर आगे चलकर हम ग्राफिकल मीनिंग की बात कर लेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझने के लिए, क्योंकि हमने कहा था जो सिंबल होता है ना डिफरेंशिएशन का बेटा, वो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। देखो बेटा, सिंबल होता है आपका डिफरेंशिएशन का dy/dx, ये सिंबल होता है। तो आपको सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा बेटा dx क्या होता है, dx क्या होता है, what is dx। तो हम कहते हैं बेटा dx जो है ये है एक बहुत स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x, इट इज सो स्मॉल चेंज दैट द चेंज इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है ना, क्या मतलब है इसका कि डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स को बोलते हैं चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स, पर डीएक्स क्या है, डीएक्स इज वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। हम इनफैक्ट ऐसे लिखते हैं इसको दैट डीएक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स, दैट इज हाउ वी डिफाइन डीएक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि dx बहुत बहुत छोटा है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो को टेंड कर रहा है। इन सब चीजों को कहने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हमने कहा कि dx इज सो स्मॉल इट इज टेंडिंग टू जीरो, हमें ऐसी बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? इनफैक्ट हमें ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं फिजिक्स को समझाने, हमें से बातें करनी पड़ रही हैं फिजिक्स को समझाने के लिए। और सबसे पहले जो कैलकुलस है, किसने बनाया, किसने बनाया कैलकुलस को, तो कैलकुलस को बनाया था न्यूटन ने, न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया। तो न्यूटन को क्या आवश्यकता पड़ी कैलकुलस को बनाने की, न्यूटन को क्या आवश्यकता पड़ी कैलकुलस को बनाने की? तो देखो हुआ क्या, न्यूटन ने देखा कि जब एक पेड़ से एक एप्पल गिरा तो एप्पल की रफ्तार नीचे आते आते बढ़ रही है, एप्पल की रफ्तार नीचे आते आते बढ़ रही है, अलग अलग इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, उसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। तो उसने सोचा कि हाउ कैन आई डिफाइन इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो उसने कहा कि मान लिया इस ट्री की हाइट h है, उसने कहा मान लिया इस ट्री की हाइट h है और इस एप्पल को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में t समय लगता है। उसने कहा कि अगर मैं h और t को डिवाइड कर दूं तो मुझे एक वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन ये वेलोसिटी किस इंस्टेंट की होगी, अलग अलग इंस्टेंट पे तो अलग अलग रफ्तार है, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग रफ्तार है, तो ये वेलोसिटी किस इंस्टेंट की मिलेगी? तो उसने कहा ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही नहीं है, ये वेलोसिटी किसी इंस्टेंट की नहीं है, ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी एवरेज है,
ये एवरेज वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए मैं किस डिस्टेंस को किस टाइम से डिवाइड करूं, मैं किस डिस्टेंस को, मैं अगर इस पूरे डिस्टेंस को पूरे टाइम से डिवाइड करता हूं तो पूरे इंटरवल में तो वी बदल सकता है, इंटरवल बहुत बड़ा है, वी बदल सकता है। अगर मुझे इस इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए तो इस इंस्टेंट पर मैं वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालूं, उसके लिए मुझे यहां पर एक छोटा इंटरवल लेना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक छोटा इंटरवल लेना पड़ेगा, इस इंस्टेंट की बात करनी पड़ेगी। उसने कहा अगर मुझे इस इंस्टेंट की बात करनी है ना तो मैं काम करता हूं, इस इंस्टेंट पर मैं सेब को गिराता हूं और इस इंस्टेंट पर इसकी एक फोटो खींच लेता हूं, ठीक है ना, इस इंस्टेंट पर मैं इसकी एक फोटो खींच लेता हूं। अगर आप फोटो में एप्पल को देखेंगे तो क्या फोटो में एप्पल को देखकर आप बता सकते हैं कि उस एप्पल की रफ्तार कितनी है? उस फोटो में एप्पल को देखकर क्या आप बता पाएंगे उस एप्पल की रफ्तार कितनी है? मैंने वो इंस्टेंट दे दिया, उस इंस्टेंट पर एप्पल की फोटो खींच के दे दी, क्या आप बता पाएंगे उस इंस्टेंट पे एप्पल की रफ्तार कितनी है? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक कोई ड्यूरेशन नहीं दूंगा, जब तक कोई ड्यूरेशन नहीं दूंगा तब तक वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं बनेगा। एक ड्यूरेशन तो देनी पड़ेगी वेलोसिटी निकालने के लिए, तभी तो डिस्टेंस लोगे, तभी तो डिवाइड करोगे टाइम से, एक ड्यूरेशन तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बड़ी ड्यूरेशन दी, उस ड्यूरेशन में वेलोसिटी बदल जाएगी तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं निकलेगा। तो उसने कहा हाउ टू डिफाइन एन इंस्टेंट, मुझे एक ड्यूरेशन भी चाहिए और मुझे इंस्टेंट भी चाहिए, एक इंस्टेंट और एक ड्यूरेशन को कैसे क्लब करूं, एक इंस्टेंट और एक ड्यूरेशन को कैसे क्लब करूं, ठीक है। काफी टाइम सोचता रहा और फिर वो इस नतीजे पे पहुंचा। उसने कहा कि अगर मुझे एक पॉइंट चाहिए तो हाउ कैन आई डिफाइन अ पॉइंट, उसने कहा कि मुझे एक पॉइंट चाहिए तो हाउ कैन आई डिफाइन अ पॉइंट। उसने कहा कि स्पेस में एक पॉइंट को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि एक पॉइंट, अ पॉइंट इज अ स्फीयर, अ पॉइंट इज अ स्फीयर हुज रेडियस टेंड्स टू जीरो, अ पॉइंट इज अ स्फीयर हुज रेडियस टेंड्स टू जीरो। उसने डिफाइन कर दिया कि एक पॉइंट को, उसने कह दिया कि अ पॉइंट इज अ स्फीयर हुज रेडियस टेंड्स टू जीरो, अ पॉइंट इज अ स्फीयर हुज रेडियस टेंड्स टू जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उसने इंस्टेंट को डिफाइन किया, उसने कहा एन इंस्टेंट इज एन इंटरवल हुज ड्यूरेशन टेंड्स टू जीरो। जब आपने एक इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि उसकी ड्यूरेशन लगभग जीरो हो गई तो एक तरीके का इंस्टेंट ही बन गया। जब ड्यूरेशन कोलैप्स करके लगभग जीरो बन जाए तो वो एक इंस्टेंट ही हो गया, ठीक है ना। और वहां से उसने उस छोटी सी, देखो जीरो नहीं है लेकिन जीरो से जस्ट बड़ा है, ठीक है ना, वो इंस्टेंट जस्ट बड़ा है, इतना छोटा इंटरवल है कि उसमें वेलोसिटी का वेरिएशन आप इग्नोर कर सकते हो, उसमें वेलोसिटी का वेरिएशन आप इग्नोर कर सकते हो। ये ताकत है कैलकुलस की, ठीक है ना। तो आपने एक इंस्टेंट को डिफाइन करने के लिए एक इंटरवल लिया, टेंडिंग टू क्या कर दिया उसको, जीरो कर दिया, टेंडिंग क्या कर दिया उसको, जीरो कर दिया। अगर इंस्टेंट टेंडिंग टू वो जीरो हो गया, ठीक है ना, तो अब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि dt इज लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो डेल्टा t, इसका मतलब क्या है कि एक इंस्टेंट एक इंटरवल है टेंडिंग टू जीरो। dt क्या हुआ, बहुत 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 छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छोटा चेंज है ये। और वो इतना छोटा इंटरवल हमें क्यों चाहिए, ताकि हम इंस्टेंटेनियस चीजों के लिए बात कर सके। उस इंस्टेंट पे जहां पर हमें वेलोसिटी निकालनी है हम एक बहुत छोटा इंटरवल लेंगे dt समय का, उस बहुत छोटे समय में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx होगा, dx को dt से डिवाइड करेंगे v निकलेगा। तो हाउ टू डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को? हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि dx by dt है। देखो अब यहां पे हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम बदलेगा तो x बदलेगा, पोजीशन बदलेगी, एप्पल गिर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, x कह लो y कह लो, पोजीशन है बेसिकली। कोई आदमी चल रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ x बदल रहा है, टाइम के साथ साथ x बदल रहा है, ठीक है। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हमने कहा कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कि x किस रेट से बदल रहा है, किस रफ्तार से बदल रहा है। तो हमने कहा किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर हम गए, हमने कहा उस टाइम पर हमारे पास जो पोजीशन है वो कितनी है, x है। मान लीजिए हम एप्पल की ही बात करें, एप्पल गिर रहा है, एप्पल यहां आ चुका है, ठीक है, हमने कहा कि ये x है, ठीक है, और टाइम कितना है, t है। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम जानना चाहते हैं x किस रफ्तार से बदल रहा है, x किस रफ्तार से बदल रहा है। तो हम कहेंगे अगले dt समय में, अगले dt समय में ये कितना नीचे गिरा, ये dx और नीचे गिरा, ये कितना नीचे गिरा, ये dx और नीचे गिरा, x कितना बढ़ा, x dx और बढ़ गया। यहां पर x कितना हो चुका होगा, यहां पर x हो चुका होगा x प्लस dx। समय कितना हो चुका होगा, समय हो चुका होगा t प्लस dt। तो dt और समय में dx और चला, dt और समय में dx और चला। तो dx by dt का मतलब क्या हुआ कि x टाइम के साथ किस रफ्तार से बदल रहा है। अगर छोटा सा dt के अंदर ज्यादा dx चल जाए तो dx velocity ज्यादा बड़ा होगा, velocity ज्यादा बड़ी होगी, तेज चल रहा होगा, मतलब धीरे चल रहा होगा ना, जितना धीरे चल रहा होगा dt समय में उतना ही कम चलेगा। अब ये dt इतना छोटा है कि उसमें इस v का रफ्तार को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और इसको इंस्टेंटेनियस ही मान लेंगे, उसको इंस्टेंटेनियस ही मान लेंगे, ठीक है ना, ओके। तो dx by dt का मतलब क्या है, यहां पर डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो मीनिंग होता है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, उस रफ्तार को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, उस रफ्तार को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। आप किन्हीं भी दो चीजों को रिलेट कर सकते हो, मान लिया आप एक बुक को पढ़ रहे हो, मान लिया आप एक बुक को पढ़ रहे हो, समय बीत रहा है पन्ने पलट रहे हैं, समय बीत रहा है पन्ने पलट रहे हैं, तो यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ पेजेस रीड, नंबर ऑफ पेजेस रेड पर इन टाइम टी, नंबर ऑफ पेजेस रेड इन टाइम टी, उसका एक फंक्शन आ जाएगा, इज इट टी स्क्वायर, इज इट वन बाई टी, आई थिंक वन बाई टी आएगा, बिकॉज जैसे समय बीतेगा, ठीक है ना, आपके नंबर ऑफ पेजेस रेड क्या होंगे, इनफैक्ट टी आएगा, आपके नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन आने वाला आपका, ठीक है। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ पेजेस रेड, नंबर ऑफ पेजेस रेड, लेट अस से ये आपको मिल रहा है टू टी स्क्वायर मिल रहा है, तो आपका क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रहा है। अगर आपको निकालना है कि आप किस रफ्तार से पढ़ रहे हो, और आपको निकालना है आप किस रफ्तार से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप किस रफ्तार से पढ़ रहे हो, तो क्या निकालोगे, डी बाय डी टी ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रेड, तो ये क्या मिलेगा आपको, क्या देगा आपको, आपके पढ़ने की रफ्तार देगा आपको कि आप किस रफ्तार से पढ़ रहे हो। और जब आप इसको करोगे डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा 40, आपको मिलेगा 40, 40 का मतलब क्या हुआ, आपके पढ़ने की रफ्तार क्या है, 40 है। अच्छा, ये टाइम का फंक्शन आ रहा है, ये टाइम का फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पढ़ने की रफ्तार समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, जैसे समय बीत रहा है आप और तेज और तेज और तेज और तेज पढ़ते चले जा रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो आप,
ये मतलब है इसका। अगर आपका डिफरेंशिएशन क्या आया, 4T आया, मतलब पढ़ने की रफ्तार आई है, पढ़ने की रफ्तार आई है समय के साथ, पढ़ने की रफ्तार आई है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज, समय के साथ पढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है, समय के साथ पढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जल्दी 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 पढ़ रहे हो आप, क्योंकि यहां पे टी स्क्वायर था, यहां पे टी स्क्वायर था। आप देखो नंबर ऑफ पेजेस रेड समय के साथ पढ़ रहे हैं, पहले पहले एक एक घंटे लगा लेते हैं, पहले एक घंटे में दो पेजेस पढ़े, पहले दो घंटे में आठ पेजेस पढ़े, दो पुट करो चार दुनी आठ, आठ तो अगले एक घंटे में आप कितने पढ़ते हैं, सात। पहले एक घंटे में दो पेजेस तो छह, पहले एक घंटे में दो पेजेस, अगले एक घंटे में छह पेजेस, तो पहले दो घंटे में आठ पेजेस हो गए आपके। नंबर ऑफ पेजेस रेड आपके हर घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके पढ़ने की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिकली सारी चीजों का मतलब क्या है, सारी चीजों का मतलब यह है कि इंस्टेंट सॉरी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप रेट निकाल रहे हो, रेट निकालना इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात आपको, क्लियर है ये, ठीक है। तो देखो बेटा इसको हम एक और क्वेश्चन से यहां पर चाहे तो देख सकते हैं रेट निकालने के लिए, ठीक है। और जैसे कि आप कह सकते हो एक बलून में हवा जो है भर रहे हैं, उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी ना, तो अगर बलून का रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कैन आस्क यू लाइक कि वी हैव अ बलून एंड वी आर फिलिंग इट अप, वी आर फिलिंग इट अप, इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग at a rate of 2 cm per second, 2 cm per second के रेट से ये बढ़ रहा है। मतलब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है dr by dt given है 2 cm per second, ठीक है ना, ये आपको dr by dt given है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब find the rate at which वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 5 cm, जब रेडियस 5 cm का था तो वॉल्यूम उस वक्त किस रफ्तार से इंक्रीज कर रही थी। तो उसके लिए पहले आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, एक स्फीयर का 4/3 πr³ होता है, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। अब देखो अगर आपको निकालना है कि वॉल्यूम किस रफ्तार से इंक्रीज कर रही है, तो आप वॉल्यूम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे और आप निकालोगे dv/dt, dv/dt तो मिलेगा 4/3 3r², ठीक है, 3r². अब देखो प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है डिफरेंशिएशन करने में, d/dt of r³, यहां पर तो r है, यहां पर तो t है, यहां तो r है, यहां तो t है, तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको, आप ऊपर और नीचे dr से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या आएगा बेटा 4/3 π d/dr of r³ × dr/dt आ जाएगा आपके पास, आई बात समझ में, dr/dt आ जाएगा आपके पास। तो देखो r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, मैं बार बार 3 मिस कर रहा हूं, r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r², r क्यूब का होगा 3r² × dr/dt होगा, dr/dt होगा। अब जो r की वैल्यू थी 5 cm उसको हम यहां पुट कर देंगे, और जो dr/dt की वैल्यू थी 2 cm उसको यहां पुट कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, हमें मिल गया कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, हमें मिल गया कि वॉल्यूम हमें किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी फिजिक्स में आप लोगों के आ सकते हैं, छोटे मोटे चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज होगा, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज पूछ लेंगे आपसे, बट डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होगा, जहां पर आपको दिया होगा कि इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ रेट, वहां पर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखना होगा। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन का। बेटा एक और क्वेश्चन लेके देख ले यहां पर, बढ़िया था। तो देखो बेटा मान ले हमारे पास यहां पर एक लैंप पोस्ट है, एक बल्ब लगा हुआ है इस लैंप पोस्ट में, ठीक है, और यहां पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक। मान लेते हैं इस लैंप पोस्ट की जो हाइट है, जहां पर बल्ब लगा है उसकी कुछ हाइट आपको दे रखी है, लेट अस से ये दे रखी है आपको 10 मीटर,
ठीक है, ये पर्सन मान लेते हैं यहां पर है 5 मीटर दूर, ये हमारे पास पर्सन है। इस पर्सन की जो हाइट है मान लेते हैं वो है 2 मीटर की, और जो ये पर्सन चल रहा है ये मान लेते हैं चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। हम जानना चाहते हैं कि जो इसकी शैडो बन रही होगी ना, जो इसकी शैडो की जो लेंथ होगी, जो इसकी शैडो की लेंथ होगी, ये शैडो की लेंथ किस रफ्तार से बढ़ रही होगी। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पर्सन इज इंक्रीजिंग किस रेट से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, ये हमको निकालना है। किस वक्त? एट द इंस्टेंट शोन। तो बेटा किसी इंस्टेंट पर भी अगर आपको निकालना होगा ना, तो आपको पहले टी इंस्टेंट पे जाकर देखना पड़ेगा, ताकि वो एक टाइम का फंक्शन बने, ताकि वो क्या बने, एक टाइम का फंक्शन बने। एक बार आपको टाइम का फंक्शन मिल गया तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां पर लिया है, अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो फिर बहुत अच्छा बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी डिफरेंशिएशन की। एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, इसके अंदर थोड़ा अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये मैंने T equal to zero मान लिया मैंने इस instant को, और T time के बाद जाकर मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या होगा। तो देखो बेटा, after time T यहाँ पर क्या होगा? ये person थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस diagram बनाता हूँ, इसको फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। इसको बल्ब हमारे पास यहां पर है, और ये पर्सन कितना आगे आ गया होगा? ये पर्सन V 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो T टाइम में ये T मीटर आगे बढ़ गया होगा। तो यहां पर था ये डिस्टेंस 5 था, ये डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 1 है, टाइम T है, तो T टाइम में ये एट T बराबर T पर हम डायग्राम बना रहे हैं, T टाइम में ये T डिस्टेंस आगे आ चुका होगा, ठीक है ना। यहां से हमने ये शैडो मारी, इसकी शैडो ये बन गई, ठीक है। अब जो इसकी शैडो एक्स है यहां पर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आफ्टर टाइम टी एक्स कितना होगा ये हमें निकालना है, तो देखो बेटा, हम यहां पे कह रहे हैं कि ये हाइट कितनी है, ये तो 10 ही है ना, ये हाइट कितनी है बेटा, ये तो 2 ही है। इस एंगल को थीटा मान लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे बेटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है। देखो बेटा, मैं बहुत आराम से बताता हूं आपको, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 10 है, और बेस कितना हमारे पास 5 प्लस टी प्लस एक्स, 5 प्लस टी प्लस एक्स, ये हमारे पास 10 थीटा आ गया, ठीक है बेटा। अब इस छोटे ट्रायंगल में भी तो हम 10 थीटा लगा सकते हैं ना, इस छोटे ट्रायंगल में 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। हमें टाइम के साथ एक्स का फंक्शन चाहिए था, देखो हमें डिफरेंशिएट करना, हमें निकालना है एक्स टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, एक्स टाइम के साथ कैसे बदल रहा है निकालने के लिए हमें एक्स टी का फंक्शन निकालना था, तो वो निकाल रहा हूं मैं यहां पर। देखो ये और ये 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 5x होगा, ये वहां जाएगा ये 5 प्लस टी प्लस एक्स होगा, 4x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 5 प्लस टी निकल गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dx by dt कितना है। करो डिफरेंशिएट, जब आप dx by dt लिखोगे दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ 5 प्लस टी, ये 4 बाहर आएगा, dx by dt मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4 टाइम dx by dt, 5 का तो 0 हो गया, dx by dt का 1 हो गया, तो ये 0 प्लस 1, तो dx by dt कितना हुआ आपके पास, ये है 1 बाय 4। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है बेटा, अगर ये समझ में आया तो आपको सब समझ में आया तो ताली जरूर ठोकना बेटा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है मैंने यहां पर, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, हमारे पास अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लूं तो ताली ठोकते रहना, ठीक है,
उससे उत्साह बढ़ेगा हमारा, ठीक है। हम बच्चा समझ रहा है हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 10 है, ये 5 है, ये x है, ये 2 है, ये आगे बढ़ रहा है। हम जानना चाहते हैं x जो है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो हमें dx by dt निकालना है, तो हमें x as a function of time चाहिए होगा। तो मैं पहले समय में t समय आगे गया, t समय आगे गया और देखा x t समय बाद कितना आएगा, x t समय बाद कितना आएगा। तो मैंने यहां पर सबसे पहले कहा कि आदमी कितना आगे चला, तो मैं आदमी चलेगा स्पीड ऑफ द आदमी इंटू टाइम t। आदमी की स्पीड कितनी है 1, टाइम कितना है t, तो आदमी चला 1 इंटू t, ठीक है ना। और जो शेडो बन रही है बल्ब से रोशनी आ रही है, शेडो बन रही है, शेडो बन रही है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की शेडो है, ये x लेंथ कितनी होगी, ये x लेंथ कितनी होगी। हाइट एंड डिस्टेंस लगाया मैंने, मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन 5 प्लस t प्लस x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 बाय x। सॉल्व किया, हमारे पास x का फंक्शन आया, डिफरेंशिएट किया, हमको हमारा आंसर मिल गया, ठीक है बेटा, बेहतरीन हमारे को हमारा आंसर यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर बात करी बेटा कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, फिजिक्स में कहां यूज होगा, तो मैंने बोला v क्या होता है, v क्या होता है, तो बेटा देखो v होता है x का रेट ऑफ चेंज, x का रेट ऑफ चेंज। a क्या होता है, a होता है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज dv / dt। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक और तरीके से, मैंने लिखा dv / dt और मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया dx / dx से और फिर dx को और इसको इंटरचेंज किया, तो ये dv / dx बना, ये dx / dt बना, dx / dt क्या आ गया, dx / dt तो v ही आ गया, तो ये v dv / dx बना। तो बेटा मेरे पास जो फॉर्मूला आया ना, एक फॉर्मूला तो ये आया, एक फॉर्मूला तो ये आया, एक फॉर्मूला तो ये आया, तीन फॉर्मूले याद कर लेने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। आज भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आप कहते हो तो, ठीक है। तो हमने कहा कि लेट लेट एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी प्लस वन, फाइंड फाइंड वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकंड पर भी निकाल दो। तो v क्या होता है बेटा, v क्या होता है, v होता है dx by dt होता है, v क्या होता है बेटा dx by dt होता है। तो हमने बोला d by dt of x, x कितना है बेटा t cube minus 3t plus 1, ये है बेटा। जब अंदर लेके जाएंगे ना, t cube क्या होगा, t cube का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 3t square होगा माइनस 3, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 होगा। बेटा पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको हाउ टू डिफरेंशिएट सिखाया था, तो पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 देखना है आपको अच्छे से, ठीक है बेटा। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, यहां पे 1 का क्या होगा बेटा, 1 का होगा 0, 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0, तो ये v आ गया। बट v कब पूछा आपसे, 2 सेकंड में पूछा, तो 2 पुट करेंगे यहां पे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 पुट करा हमने, 3 इंटू 4 माइनस 3 पुट करा हमने, 12 माइनस 3 पुट करा हमने, यहां पे कितना आया 9 आया, v की वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड आ गई, v की वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। हाउ टू डिफरेंशिएट आना चाहिए, तब हम मीनिंग वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तीन फॉर्मूले आपको कर लेने हैं याद, एकदम होने चाहिए एकदम आपको याद, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये था बेटा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की। बेटा इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है ऐड करना, टू ऐड, ये क्या करता है बेटा जोड़ता है, ये क्या करता है बेटा आपको जोड़ता है। क्या इससे ऐड करवा सकते हैं, इंटीग्रेशन से क्या ऐड करवा सकते हैं, कुछ भी करा लो, मास करा लो, लेंथ करा लो, कुछ भी करा लो, इससे ऐड कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, ऐड करवा सकते हैं हम इसके जरिए, ठीक है। तो देखो बेटा एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लिया हमें एक डिस्क है उसका एरिया निकालना है, मान लिया एक डिस्क है और हमें उसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका एरिया डिस्क का, ठीक है ना। एरिया निकालने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो डिस्क जो है वो किससे बनी होती है, देखो जोड़ने के लिए पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो हम गए इंटीग्रेशन के पास और हमने इंटीग्रेशन से कहा कि भाई हमें ऐड करवाना है, उसे क्या ऐड करवाना है, हम बोलेंगे एरिया ऐड करवाना है, वो बोलेगा कैसे निकालते हैं एरिया बताओ। तो आपको समझाना पड़ेगा कि देखो भाई इंटीग्रेशन, आप अगर यहां से r डिस्टेंस दूर जाकर इस तरीके से एक
रिंग बनाते हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अगर आपने यहां पर आर डिस्टेंस पर एक डी आर विड्थ की, एक डी आर विड्थ की रिंग बनाई है ना, इस रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो अगर मैं इस रिंग को लूं, मैं यहां पर इस रिंग को बनाता हूं, ठीक है ना, और अगर मैंने इस रिंग को यहां से काट दिया, कट लगाया और इसको फैला दिया, तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा ना बेटा, बताओ, मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा ना बेटा, ठीक है, काटा और फैला दिया तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा ना बेटा। तो देखो, मैंने कहा कि अगर ये रेडियस आर है और ये थिकनेस जो है ये डी आर है, तो ये थिकनेस है ना बेटा, ये तो डी आर हो गई, ठीक है, और जो पूरे की लंबाई है ना ये कितनी है, ये 2πr हो गई, पूरे की लंबाई कितनी है हमारे पास, 2πr हो गई, ठीक है। आपको पता है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, तो पूरी लंबाई कितनी है बेटा, 2πr लंबाई है, और थिकनेस कितनी है बेटा, dr थिकनेस है, तो 2πr और dr, 2πr और dr आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो ये रेक्टेंगल है इसका ये एरिया कितना होगा, इसको हम बोलेंगे डी ए एरिया, बहुत छोटा सा एरिया, बिकॉज डी आर बहुत छोटा सा है, पतला सा डी आर है, ठीक है ना। डी ए एरिया वो कितना होगा, लेंथ दैट इज 2πr और ब्रेथ दैट इज डी आर, लेंथ 2πr, ब्रेथ डी आर, लेंथ 2πr, ब्रेथ डी आर। तो जो एरिया आया ना ये आया 2πr डी आर, जो एरिया आया ना वो कितना आया, 2πr डी आर आया। तो हम इंटीग्रेशन के पास गए, हमने उसे कहा हमें जुड़वाना है, उसने बोला क्या जुड़वाना है, हमने बोला एरिया जुड़वाना है, उसने बोला कैसे निकालना है एरिया, तो हमने बोला बेटा आर डिस्टेंस पर जाकर डी आर विड्थ का जो रिंग लेते हो उसका एरिया आता है 2πr डी आर, जोड़ देंगे भाई। तो एरिया ने बोला इंटीग्रेशन हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जोड़ते ही, हम जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ देंगे, कर दो इंटीग्रेट, हमने कर दिया इंटीग्रेट। लेकिन फिर आपसे इंटीग्रेशन ने पूछा कि जो ये हमें रिंग बनानी है ना, ये कहां से कहां तक बनानी है, कहां से कहां तक हमें ये रिंग मिलेंगी। तो आपने कहा कि अगर आर जीरो लोगे तो पहली रिंग तो आपको यहां मिलेगी, और आर को अगर आप कैपिटल आर लोगे तो आखिरी रिंग आपको यहां मिलेगी। मतलब आपको आर को वेरी करना है जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, आपको आर को वेरी करना है जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है ना। जब आप आर को जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करोगे ना, तो आपके पास जितनी भी रिंग्स थी, ये छोटी रिंग बड़ी रिंग, छोटी रिंग बड़ी रिंग, सारी ये रिंग्स आपको मिल जाएंगी, और आप सारी के सारे डिस्क को जोड़कर एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एक रिंग का एरिया निकालना आता है। आपको जो भी जुड़वाना है ना, वो निकालना तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, वो निकालना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। आपको मास निकालना है तो आपको एक एलिमेंट का मास निकालना आना चाहिए, आपको वॉल्यूम निकालना तो आपको एक एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, और उस वॉल्यूम को निकालने का तरीका आप बताओगे उसे, और वॉल्यूम का तरीका निकालने के बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन को दे दोगे, लिमिट बताओगे, इंटीग्रेशन अपना काम करेगा, आपको आंसर देगा। कैसे काम करेगा, देखो 2πr बाहर निकालेगा वो, आर का आर को बोलेगा आर स्क्वायर बाय 2, पावर वन है ना, प्लस वन डिवाइडेड प्लस वन, जीरो से लेकर कैपिटल आर, टू टू कटा, पाई आर स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द आंसर। देखो एक डिस्क का एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर आता है ना, ऐसे निकलता है एरिया ऑफ डिस्क, ऐसे निकलता है एरिया ऑफ ए डिस्क। अगर आपके पास लीनियर लेंथ है, लाइन है आपके पास, तो उसके ऊपर आप एक पॉइंट लोगे। अगर एरिया है तो उसके ऊपर आप ऐसी लाइन लोगे, कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, सर्कुलर लाइन भी हो सकती है, फ्लैट लाइन भी हो सकती है। अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आप एक प्लेन लोगे, जैसे डिस्क ले सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये सारी बातें बहुत आगे की हैं, आज के लेक्चर में इतना ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। अभी के लिए इतना समझो, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जोड़ना, जो भी जुड़वाना है, एरिया, लेंथ, मास, वॉल्यूम, कुछ भी जुड़वाना है अगर आपको, तो जुड़वाने के लिए क्या करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है, एलिमेंट में अगर एरिया है जुड़वाना है, तो एरिया कैसे निकलेगा वो देखना है। जैसे कि मैंने इस डिस्क पे एक रिंग लिया, रिंग का एरिया कैसे लिखा है वो बताया मैंने आपको, उस एरिया को लेकर मैं इंटीग्रेशन के पास गया, इंटीग्रेशन में जोड़ के अपना आंसर दे दिया, ठीक है बच्चों। ये था मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, जोड़ना, एड करना। अब हम आते हैं इनके ग्राफिकल मीनिंग पर, अब हम आते हैं इनके ग्राफिकल मीनिंग पर बेटा। देखो बेटा, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन,
ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग हम कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं यहां पर, ओके। तो देखो बेटा, हम यहां पे कहते हैं कि अगर हमारे पास है एक वाई वर्सेज एक्स, ये वाई है और ये एक्स है, और ग्राफ को जा रहा है इस तरीके से, ग्राफ को जा रहा है इस तरीके से, मैंने एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, ये मेरे लिए एक्स होगा और ये मेरे लिए होगा डेल्टा एक्स, ठीक है, ये मेरे लिए वाई होगा यहां पर, तो मेरे लिए ये होगा वाई प्लस डेल्टा वाई। और अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो यहां पर जो एक ट्रायंगल सा ये बन गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर आई कैन से कि ये है डेल्टा वाई और ये है डेल्टा एक्स, और यहां पर एक बन गया एंगल थीटा, और यहां पर एक बन गया एंगल थीटा, और जो टैन थीटा है ना, ये टैन थीटा कितना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है ना, क्या है ये, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, यस और नो, टैन थीटा क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। लेकिन क्या डिफरेंशिएशन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, नहीं, डिफरेंशिएशन तो डीवाई बाय डीएक्स होता है। डीएक्स का मतलब क्या हुआ, डीएक्स का मतलब हुआ मुझे डेल्टा एक्स को करना है कम, मुझे डेल्टा एक्स को करना है कम, और कितना कम करना है, इतना कम कर देना है, इतना कम कर देना है कि वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो जाए, वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो जाए, डेल्टा एक्स मुझे करना है कम और इतना कम करना है कि वो नेग्लिजिबल हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए। अच्छा, अगर मैं इसको कम करता हूं, अगर मैं इसको कम करता हूं ना, तो जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट भी इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और पास जाएगा, और पास जाएगा, जिस इसमें से कम करूंगा ये वाला पॉइंट भी इसके पास जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इसमें एक कॉर्ड बन रही है, क्या बन रहा है यहां पे, कॉर्ड बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत पास ले आया तो क्या होगा, देखिए बच्चों, मैंने कहा ये ग्राफ था हमारे पास, ठीक है ना, और मैंने एक पॉइंट चुना था, यहां पर एक पॉइंट चुना था, मैंने कहा भैया एक पॉइंट हमने यहां चुन लिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ एक्स था। अब अगला पॉइंट जस्ट इसके बगल में है, अगला पॉइंट जस्ट इसके बगल में है, कितना दूर है, dx दूर है, dx कितना होता है, बहुत कम, 0.00000000000, थक जाओ लास्ट में बन लगा देना, इतना छोटा dx होता है। अगर dx बहुत 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 छोटा है ना, तो जो इसका अगला पॉइंट है वो जस्ट इसका अगला पॉइंट ही होगा, ठीक है, उन पॉइंट्स के बीच में और पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कॉर्ड थी जो अलग अलग दो पॉइंट्स को मीट कर रही थी, वो लगभग 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 एक ही पॉइंट से पास कर रही होगी, और अगर एक ही पॉइंट से कोई चीज पास करती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, ये जो ग्राफ पे टेंजेंट हमने बनाई, इस पॉइंट से ये पास करते हुए गई, यहां पे आके टकराई। अब जो यहां पर ये एंगल थीटा था, जो ये एंगल थीटा था, अगर तो यहां पे आप एक बहुत छोटा सा डायग्राम बनेगा आपका, दिखेगा भी नहीं, एक इतना छोटा सा ट्रायंगल बना लो, अगला पॉइंट उसके ऊपर वाला पॉइंट मिला के जो ट्रायंगल बनेगा ना, उसका जो एंगल यहां पर होगा, जो एंगल यहां पर होगा, वही एंगल यहां पर भी होगा। यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके से जो ट्रायंगल बनेगा ना, अगर मैं इसको dx कह रहा हूँ, मैं इसको dy कह रहा हूँ, तो जो ये एंगल बनेगा थीटा, वही एंगल यहाँ पर थीटा बनने वाला है, ठीक। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू dy बाय dx, बस शर्त ये है कि ये थीटा क्या होना चाहिए, एंगल मेड बाय टेंजेंट होना चाहिए With x axis, ठीक है ना, tangent made by x axis होना चाहिए, yes or no, ठीक है। Chord लोगे, दो अलग अलग point लोगे, तो फिर वो differentiation नहीं होगा, फिर वो delta y by delta x होगा। dy by dx के लिए tangent चाहिए, और इस tan theta को अब हम बोलते हैं slope, इस tan theta को हम क्या बोलते हैं बच्चा, slope बोलते हैं। आई बात समझ में, tan theta क्या है बेटा, slope है। देखो स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट पहले अपने जो हमने समझा है उसका एक माइलस्टोन यहां पे तैयार कर लेते हैं। माइलस्टोन क्या है हमारा, हमारा माइलस्टोन है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है बेटा, स्लोप है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू स्लोप, ग्राफिकली
दिमाग में एकदम बिठा लो, ठीक है, गलती नहीं करनी है इसमें। टेन थीटा को ही हम स्लोप कहेंगे, कोई हम डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे, ठीक है। स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बेटा समझ में आ रहा है ना, अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके के, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर आपने जो टेंजेंट बनाई, ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ये आप बोलोगे एक्यूट है। यहां पर बनाई, बताओ बताओ, जो एक्स के साथ एंगल बन रहा है ये एक्यूट बन रहा है कि ऑब्ट्यूज बन रहा है, आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज बन रहा है। जो हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने बनाया टेंजेंट, आप इसके लिए क्या बोलोगे बेटा, एंगल क्या बन रहा है यहां पर, यहां पर देखो पैरेलल होगी ना, ये इसके पैरेलल होगी, दिस टू आर पैरेलल, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर हम बोलेंगे एंगल है कितना, जीरो है। एक्यूट फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन थीटा, अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं इसको बेटा, हम बोलते हैं जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप बोलेंगे इसको। और अगर कोई ऐसे खड़ा हो गया भाई तो एंगल कितना बना, ये 90 बना, टेन 90 कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो सकते हो आप इसको, समझे बेटा। तो स्लोप जो है टेंजेंट बनानी है, एंगल देखना, एक्यूट एंगल पॉजिटिव स्लोप, जीरो एंगल जीरो स्लोप, और नेगेटिव एंगल सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव स्लोप। अब ग्राफ ऐसे भी जैसे मर्जी आप ड्रॉ यहां पर कर सकते हो। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया तो ठोको ताली। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, हमने कहा था कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है, क्या मैं बोल सकता हूं, यस मैं बोल सकता हूं, वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है। मैंने कहा था v क्या होता है, सॉरी मैंने कहा था a क्या होता है, dv बाय dt होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सलरेशन कुछ और नहीं बल्कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ है। बेटा यही नहीं, हमें पता है i होता है dq बाय dt, i है करंट, तो क्या मैं कह सकता हूं करंट क्या है, स्लोप ऑफ qt ग्राफ है। बेटा पूरे फिजिक्स में जहां डिफरेंशिएशन देखोगे आप स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, वहां पे ग्राफ के लिए स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आप ग्राफ के लिए बिंदास लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, समझ गए बेटा, क्लियर है, बढ़े आगे। ग्राफ वगैरह के ऊपर क्वेश्चन हम पूरे सेपरेट क्लास करेंगे, वहां पे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी केवल मीनिंग समझा रहा हूं, मीनिंग क्या होता है, ठीक है बेटा। चलो इंटीग्रेशन के ग्राफिकल मीनिंग पर आते हैं, मान लिया हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है बेटा। अगर हम यहां से x डिस्टेंस आगे गए, dx विड्थ का हमने ये एलिमेंट बना लिया, ये हमारे पास y है, और यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, पर अगर dx बहुत छोटा है ना, ये ट्रायंगल नेग्लिजिबल होगा, तो ये ट्रायंगल है तो गायब ही हो जाएगा, इतना छोटा ट्रायंगल होगा, इसके सामने भी बहुत 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 छोटा, तो लगभग इसको रेक्टेंगल मान ले अगर हम, तो इस रेक्टेंगल का जो छोटा सा एरिया होगा ना डी ए, ठीक है, वो कितना होगा, वाई इंटू डी एक्स होगा, y इंटू डी एक्स होगा, और इस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बहुत बहुत कम वैल्यू होती है इसकी, इनफैक्ट ये लगभग एक्यूरेट आपको आंसर देता है, एक्यूरेट ही आंसर देता है शुरू से, ठीक है। खैर डी ए इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, अच्छा अब हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मीनिंग क्या होगा, तो वाई डी एक्स क्या है, डी ए ही तो है, तो हम इंटीग्रेशन डी ए भी तो बोल सकते हैं, और इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करता है, ऐड करता है, किसे ऐड कर रहा है, एरिया को ऐड कर रहा है, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एरिया अंडर ग्राफ,
एरिया अंडर ग्राफ ही इसका मतलब हो गया, एरिया अंडर ग्राफ ही इसका मतलब हो गया। समझ में आपको, इट इज एरिया अंडर द ग्राफ। जो लिमिट डालेंगे, मान लिया आपने एक लिमिट ली x1, एक लिमिट ली x2, आपने कहा इंटीग्रेशन y dx x1 से लेकर x2 तक निकालना है, तो ये क्या देगा आपको? तो आप बोलेंगे देगा एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फ्रॉम x equals to x1 to x equals to x2, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे कितना एरिया है वो आपको इंटीग्रेशन दे देगा। समझ गए बेटा, कोई परेशानी नहीं? ओके। अब जैसे कि अगर हम काइनेमेटिक्स की क्वांटिटी से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं इसको, हमने कहा कि v क्या होता है बेटा, हमने कहा v होता है dx by dt, dx होता है v dt, इंटीग्रल इंटीग्रल, जो v dt का इंटीग्रेशन होता है ना, अब मैं बस dt को यहां ले गया, मैंने तब इंटीग्रेशन डाल दिया, तो जो v dt का इंटीग्रेशन हुआ तो उसको आप बोल सकते हो एरिया अंडर v dt ग्राफ। और dx का इंटीग्रेशन हमको क्या देगा? dx का इंटीग्रेशन देगा हमको x, लेकिन लिमिट जब डालेंगे, मान लिया x1 से x2 तक लिमिट डाल रखी है हमने, ठीक है, जब लिमिट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x लिमिट x1 से x2 मिलेगा ना, तो लिमिट डालेंगे तो क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा, जो क्या होगा? डेल्टा x होगा। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डीटी, डेल्टा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डीटी, वी कॉल डेल्टा x एज डिस्प्लेसमेंट, that is equals to integration v dt, ठीक है, and that means this is also equals to area under v dt graph। इसी तरीके से हम आगे भी बोल सकते हैं, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं कि a होता है dv by dt, तो dv हो गया a dt, integration dv हो गया integration a dt, dv का इंटीग्रेशन v1 से v2 तक करोगे तो वो आपको v2 माइनस v1 देगा, इंटीग्रेशन a dt, ये डेल्टा v हो गया आपका इंटीग्रेशन a dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर द एटी ग्राफ। जहां पर भी ये रिलेशन लगेगा आप लगा सकते हो, जहां पर भी रिलेशन लगेगा आप लगा सकते हो, जहां पर भी इंटीग्रेशन की बात आएगी आप लगा सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स में आपको काफी सारी जगह पर डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, काफी सारी जगह पर इंटीग्रेशन भी मिलेगा, बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, अब एक लास्ट चीज मुझे आपको और बतानी है इसके अंदर बेटा, जो काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है बेटा, ये क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा? तो देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू इस तरीके से जा रही है, ठीक, तो वो पॉइंट जो अपने आजू बाजू वालों से बड़ा हो, दोनों से, आजू से भी बाजू से भी, दोनों से, ऐसा पॉइंट जो अपने आजू बाजू वालों से बड़ा हो वो होता है मैक्सिमा, ठीक है, और वो पॉइंट जो अपने आजू बाजू वालों से छोटा हो वो होता है मिनिमा। तो हम कहेंगे देखो कि दिस पॉइंट इज मैक्सिमा एंड दिस पॉइंट इज मिनिमा, दिस पॉइंट इज मैक्सिमा एंड दिस पॉइंट इज मिनिमा। देखो देखिए, जो मैक्सिमा होगा ना उस पर जो स्लोप आती है, अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पर आपने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी, आपने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर आप यहां पे और यहां पे स्लोप ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो स्लोप कितनी आती है यहां पर? स्लोप आएगी जीरो। आपने यहां पर किया तो यहां पे स्लोप कितनी आएगी? यहां पे स्लोप जीरो आएगी, यहां पर भी स्लोप जीरो आ रही है, यहां पर भी स्लोप जीरो आ रही है। तो अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना हो तो आपको स्लोप को लेना पड़ता है जीरो, ठीक है ना। तो फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इक्वल टू जीरो,
ठीक है ना। स्लोप का मतलब क्या हुआ बेटा, टेन थीटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। लेकिन अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तब क्या करेंगे, दोनों पे ही जीरो हमने ले लिया। बेटा देखो फिजिक्स में हालांकि डिसाइड करने की नौबत नहीं आएगी, नौबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको बोलेगा मैक्सिमा निकालो भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ कितना होगा, या बोलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन पहले ही बोल देगा कि मैक्सिमा निकालना है कि मिनिमा निकालना है, तो आपको उसको डबल चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले बताओ मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तब क्या करेंगे, तब तो डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो मैक्सिमम दोनों आ सकता है। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पर जो स्लोप है वो घट रही है कि बढ़ रही है, जो स्लोप है उसका चेंज कैसा हो रहा है, स्लोप घट रही है कि स्लोप बढ़ रही है, स्लोप घट रही है कि स्लोप बढ़ रही है। तो देखो बेटा यहां पर अगर हम आते हैं तो यहां पर स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यहां पर स्लोप जीरो आ रही है और यहां पर स्लोप नेगेटिव आ रही है। मैं बताया एंगल ऑप्टिक्स बन रहा है यहां पर, वापस आते हैं यहां पर देखिए स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यहां पे स्लोप जीरो आ रही है और यहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रही है, यहां पर देखो आप एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो स्लोप है मैक्सिमा पर जो स्लोप है, मैक्सिमा पर जो स्लोप है, स्लोप क्या हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब भी स्लोप डिक्रीज होगी तो उसका चेंज नेगेटिव आएगा, कोई भी चीज घट रही है तो उसका चेंज क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आप पहले पांच पर थे, अब आप तीन पर चले गए तो कितने का चेंज हुआ, दो का, आप दो से बढ़ गए हो क्या, नहीं दो से घटे हो ना, तो चेंज कहेगा माइनस दो का, पांच पर थे तीन पर आ गए, चेंज क्या, माइनस दो का चेंज हुआ। तो जब भी कोई चीज घट रही होती है ना तो उसका चेंज नेगेटिव आता है, उसका चेंज क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो जो स्लोप का चेंज होगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप वो नेगेटिव होगा, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बढ़ने के साथ साथ स्लोप कितना चेंज हो रही है, तो स्लोप नेगेटिवली चेंज हो रही होगी, मतलब घट रही होगी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप क्या चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स स्लोप, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, और जब दो बारी डिफरेंशिएशन हो गया ये, तो इसको हम लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और जब ये नेगेटिव होगा या लेस देन जीरो होगा तो वो कहलाएगा मैक्सिमा। तो पहले तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स करोगे, उसको जीरो पुट करोगे, वहां से आपको मिलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करोगे और वहां पर जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और मिनिमा के केस में क्या आना चाहिए, मिनिमा के केस में क्या होना चाहिए, एक तो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होना ही चाहिए क्योंकि स्लोप जीरो है और यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग स्लोप है यहां पर, अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो मैक्सिमा के लिए ये, मिनिमा के लिए, एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं फिर हम लेक्चर करेंगे खत्म, ठीक है बेटा। तो कोई भी एक फंक्शन हम उठा लेते हैं, मान ली हमने कहा कि हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड इफ द फंक्शन पासिस थ्रू अ मैक्सिमा और मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो बेटा पहली चीज फाइंड करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा से पास कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना इसका, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3 क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का माइनस 3, 2 का हो जाएगा 0। ये था डिफरेंशिएशन, और इस डिफरेंशिएशन को हमें करना पड़ेगा 0 के बराबर पुट, ठीक है, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां पर डिफरेंशिएशन 0 आती है।
तो यहां से मानो बड़ा x बराबर 3/2 पर आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा है, आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा है, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन आ रहा है जीरो। बट अब चेक करना है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है, चेक करना है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है, तो हम इसको एक और बार करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक और बार करेंगे डिफरेंशिएशन। तो d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स एंड dy बाय डी एक्स इज 2x माइनस 3, तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, माइनस 3 का होगा 0, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया ग्रेटर देन 0, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया ग्रेटर देन 0, मतलब ये होगा मिनिमा। अभी मैंने आपको बताया था बेटा मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0 आता है, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 आता है, उल्टा रहता है, मतलब मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, मिनिमा के लिए पॉजिटिव, ठीक है, कौन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमें मालूम पड़ा कि x इक्वल टू 3/2 पर स्लोप तो 0 है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा है, और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब मिनिमा है, मतलब ग्राफ जो बन रहा होगा ना कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक मिनिमा आ रहा होगा आपके पास यहां पे, ठीक है, और कहां पर आ रहा होगा, ये x बराबर 3/2 पर आ रहा होगा। अब इस पॉइंट पर y कितना है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमा तो आ रहा है बट इस पॉइंट पर y की वैल्यू है कितनी, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितनी वैल्यू है हम जानना चाहते, हम वैल्यू पुट करेंगे x की यहां पर, तो हम पुट करेंगे y मिनिमम इज इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ x विल पुट 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2, तो ये हो गया 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, एलसीएम लेते हैं 4 का, 9 माइनस 18 प्लस 8, 18 प्लस 8, तो मुझे वैल्यू मिल रही है कितनी आ रही है, ये आ रही है माइनस 1/4 आ रही है, मतलब जो ग्राफ बनेगा ना बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा, मतलब 3/2 पर मिनिमा है एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज -1/4, कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है आपको मिल रहा होगा, ठीक है, एक मिनिमा बन रहा होगा इस पर, ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमारे पास इतना ही था, ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से, हम इसके ऊपर आपको अलग से क्वेश्चंस कराएंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, ग्राफ के अंदर, प्रैक्टिस बहुत लगेगी बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, फिजिक्स जो है वो देखने से नहीं होगी बेटा, करने से होगी, जितना करोगे उतना सीखोगे, तो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, सी यू, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।